प्रयागपुर में अखिलेश बोले, भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। उत्तर प्रदेश की बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद बहराइच के प्रयागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा, इनके छोटा नेता छोटा और इनका बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा के मंत्री पुत्र किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, किसान विरोध करे उस पर लाठी चलवाते हैं, इसलिए बाबा जी जल्द ही अपने मठ पर जाने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए किसानों की आय दुगनी करने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में महंगाई डबल हो गई है, इस बार जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। भाजपा को झूठ की पार्टी बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की जेब से पैसा निकालकर तिजोरी भरने का काम कर रही है। किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि लखीमपुर में मंत्री पुत्र अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, हम लोगों ने दबाव बनाया तब कार्यवाही हुई। अब पता चला है कि मंत्री पुत्र को जमानत मिल गई है, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता इस बार इनकी जमानत जब्त कर देगी। इस बार उत्तर प्रदेश की किसान इनको माफ नहीं करेगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा देने का वादा भी किया है। कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। यादव ने कहा, बीएड और टीईटी पास युवाओं को सरकार बनने पर समायोजित किया जाएगा तथा बेसिक शिक्षा विभाग में महिलाओं को उनको गृह जनपद में तैनात किया जाएगा और अध्यापकों को घर से 100 किलोमीटर के अंदर तैनात किया जाएगा। इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपये की मदद की जाएगी और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। समाजवादी पेंशन 1500 रुपये महीना देने की घोषणा की। 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार दिलाने का भी वादा किया। फ्री राशन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। राशन के साथ में सरसों का तेल, घी और मिल्क पाउडर भी मिलेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 10 रुपये में पेट भर खाना खाने के लिए कैंटीन खोली जाएगी। सरकारी नौकरियों में 11 लाख पद खाली है, जिन्हें सरकार बनने पर भरने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। आवारा पशुओं पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों ने रात रात भर जाकर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है उनको। सरकार के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। किसानों से वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर प्रत्येक फसल के लिए MSP लागू की जाएगी, 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बाराबंकी नानपारा मार्ग को 4 लेन बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी थी। सबसे पहले परम पूज्य श्री राम प्रकाश बाबा जी, श्री गायगीर बाबा जी एवं लाले मियां बाबा जी की पावन धरती को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ हम अपने आदरणीय बुजुर्ग किसान भाइयों का भी नमन करता हूँ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित राम सागर अकेला जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए सावेन विक्रम सिंह जी, सूर्य विकास सिंह जी, सूर्य कुमार सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राम और चल रहे अभी भी आ रहे हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है और ये पेड़ अगर मैं देख रहा हूँ इस चीज का है, वहाँ पेड़ का पौधा से और अगर हिसाब किताब लगाओगे 4 चरणों के चुनाव का, तो जनता ने जिनकी कर दी खटिया खड़ी, जनता ने जिनकी कर दी खटिया खड़िया, तय वो क्या करता है? अरे कभी कुश्ती देखी कि नहीं देखी? और जब कुश्ती देखी होगी और जब पहलवान खिसिया जाता है, हारने लगता है, तो क्या नहीं करता बताओ पहलवान? ये तो पता होगा कि नहीं? ये लोग हार गए हैं, ये सरकार जाने वाली है।